जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादियों के कायराना करतूतों की वजह से शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को पुलिस लाइन परिसर में शुक्रवार को 2 मिनट का मौन रखकर जवानों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। कैंपियरगंज के क्षेत्राधिकारी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा एरिया में सीआरपीएफ की 3 बटालियन जा रही थी, उनके ऊपर आतंकी हमला हुआ था। उन्हें सभी पुलिस कार्यालयों थानों में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कैंपियरगंज के क्षेत्राधिकारी एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, सीआरपीएफ के कई जवान उसमें शहीद हुए, उनको हम लोग आज 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देंगे। कल जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा एरिया में सीआरपीएफ के 3 बटालियन जो जा रही थी उनके ऊपर जो आतंकी हमला हुआ था, उसके लिए आज सभी पुलिस कार्यालय थानों में मौन रखा गया था उनको श्रद्धांजलि देने हेतु। पूरे पुलिस परिवार की तरफ से हम दुख व्यक्त करते हैं और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।